नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में भुवनेश्वर में जो मेट्रो बनने वाला है उसके बारे में ब्रीफली आपको बताऊंगा कि कब ये मेट्रो देखने को मिलेगा, कहां से कहां तक ये मेट्रो जाएगा और इसका स्टेशन कहां कहां पर रहेगा, मेट्रो ट्रेन बनने में टोटल कितना कॉस्ट आएगा, ये सब कुछ। तो अपने ईयरफोन को लगा के हाथ में चाय पकौड़े लेके इत्मीनान से बैठ जाइए ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिना इंटरप्शन के देखने को मिले। तो लेट्स स्टार्ट। जस्ट इमेजिन कीजिए, भुवनेश्वर के अंदर आप एक मेट्रो पे ट्रैवल कर रहे हैं जो ट्रेन आपको भुवनेश्वर सिटी के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहा है। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? यही कॉन्सेप्ट का नाम है मेट्रो। मेट्रो ट्रेन ही बनाया गया है पर्टिकुलर सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए। नॉर्मली ट्रेन एक स्टेट से दूसरे स्टेट होते हुए जाता है, पर मेट्रो ट्रेन में एक ही शहर के अंदर एक ही जगह से दूसरे जगह को कम पैसों में जाया जा सकता है। ओडिशा के राज्य सरकार ने अपने स्टेट बजट से ये काम को करवाया है, जिसका पूरा श्रेय ओडिशा स्टेट के हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी को जाता है। इसका टेंडर दिल्ली रेल निगम को दिया गया है, जिसका प्लान के मुताबिक आने वाले 3 से 4 साल मतलब 2027 तक मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट खत्म होने का प्लान बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ये मेट्रो ट्रेन भुवनेश्वर से कटक तक को जाएगा। इसका टोटल लेंथ 26 किलोमीटर होगा और इस 26 किलोमीटर से होते हुए भुवनेश्वर का मैक्सिमम मेजर लोकेशन कवर हो जाएगा। ये मेट्रो भुवनेश्वर के एयरपोर्ट से शुरू होके बापूजनगर देके मास्टर कैंटीन होते हुए राम मंदिर से बानी विहार तक जाएगा। इसके बाद इसका दिशा परिवर्तन होगा और ये आचार्य विहार होते हुए जयदेव विहार को पहुंचेगा। फिर ये ट्रेन पटिया की तरफ मुड़ के नंदनकानन से होते हुए कटक के त्रिशूल में जाके रुकेगा। इसका यात्रा में 20 स्टेशन रहेगा, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 8000 करोड़ बताया जा रहा है और इस मेट्रो का स्पीड 85 किलोमीटर पर हावर रहेगा। दिमाग है तो सोचिए, 85 किलोमीटर हावर के रफ्तार पे जाने वाले मेट्रो की स्पीड में अगर कोई भुवनेश्वर में जाएगा तो पूरा भुवनेश्वर एयरपोर्ट से कटक का त्रिशूल तक का 26 किलोमीटर तक का सफर सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट में तय किया जा सकता है। मतलब सिर्फ आधे घंटे में आप पूरा भुवनेश्वर से कटक जाके वापस भी आ सकते हैं, है ना कमाल। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, एक ट्रेन में टोटल 3 कोचेस रहेंगे। अगर पॉपुलेशन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो उसी हिसाब से कोच भी बढ़ाया जाएगा। हर 10 मिनट में एक मेट्रो आते जाते रहेंगे। अगर ज्यादा लोगों को इस मेट्रो से बेनिफिट होगा तो इसको एक्सटेंड करके इसको खुर्दा और पुरी तक भी बढ़ाया जा सकता है। ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं मेट्रो मतलब अंडरग्राउंड मेट्रो, पर ऐसा नहीं है। भुवनेश्वर में जो मेट्रो बनेगा वो फ्लाईओवर के ऊपर देखे जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अंडरग्राउंड मेट्रो क्यों नहीं बन रहा? अंडरग्राउंड मेट्रो ना बनने की सबसे बड़ी वजह है बजट यानी कॉस्टिंग। सिंपल भाषा में पॉपुलेशन के हिसाब से भुवनेश्वर एक छोटा शहर है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता इस सब शहर का जनसंख्या भुवनेश्वर से काफी ज्यादा है। इस वजह से इस बड़े बड़े शहर के पास ज्यादा बजट है अंडरग्राउंड मेट्रो कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसके बावजूद भी जरूरत के हिसाब से मेट्रो फ्लाईओवर के ऊपर भी बनाया जाता है, जैसे कि दिल्ली और मुंबई मेट्रो। इसी वजह से ओडिशा स्टेट बजट फ्रेंडली मेट्रो बजट बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्लाईओवर मेट्रो अंडरग्राउंड मेट्रो से कम खर्चे में बन जाएगा और भुवनेश्वर की जरूरत के हिसाब से भी देखा जाए तो फ्लाईओवर मेट्रो इज बेस्ट, जिससे ये कम कॉस्ट में बन जाएगा। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट फाइनल डिसाइड किया है कि फ्लाईओवर मेट्रो बनाया जाएगा और इसके लिए 450 खंभे बनाए जाएंगे, मतलब हर 50 मीटर में एक खंभा। तो सवाल ये है, मेट्रो में ऐसा क्या है कि हर कोई मेट्रो मेट्रो कर रहा है? मेट्रो का सबसे बड़ा फायदा ये है, मेट्रो ट्रेन से ट्रैफिक का जो समस्या रहती है वो बहुत कम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो के जरिए शहर की एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर पाएंगे, जिस वजह से कार और बाइक जैसे चीजों पर लोगों का निर्भरता कम होते जाएगा और ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी काफी हद तक कम हो जाएगा। मेट्रो के वजह से ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगा, बिकॉज मेट्रो का ट्रैवल ऑटो, कार, बाइक और टैक्सी के ट्रैवलिंग से काफी सस्ता होता है और इन सब के ऊपर नॉइज और एयर पोल्यूशन भी काफी हद तक कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मेट्रो बनाना एक शहर और राज्य के लिए शान की बात है, क्योंकि इंडिया में गिनती के शहर हैं जहाँ पे मेट्रो चलता है। तो जब भुवनेश्वर में मेट्रो बनेगा तो इस शहर का गरिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सिर्फ एक चीज को देखना है, भुवनेश्वर में मेट्रो बनना गवर्नमेंट का विजनरी प्लानिंग का हिस्सा है या फिर अगले इलेक्शन को जीतने की टेक्निक। अगर आपको हमारा ये पार्ट अच्छा लगा और आप चाहते हो कि भुवनेश्वर पर मेट्रो पे एक और वीडियो बनाया जाए तो आपको इस वीडियो में 1000 लाइक करना होगा। मुझे पता है आप लोग कैसे भी करके कर दोगे। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।